नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी 3 तरह के हल्दी वाला दूध। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये बनाते हैं, पहले मैं अपनी सामग्री बताऊंगी। मैंने 100 ग्राम हल्दी लिया है, ये कच्ची हल्दी है, ठंडियों में ये ज्यादा मिलती है और हेल्दी भी होती है ठंडियों में। इसकी कच्ची हल्दी की मैंने सब्जी भी बनाई है, आप आई बटन पे जाके इसे देख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से मैंने चीनी लिया है, 1 लीटर दूध लिया है मुझे। इसे मैं पहले चाकू से अच्छी तरह से बड़े ही आराम से, ये अदरक की तरह होता ही है, छिलका सब निकल जाएगा। मैंने छील ली है इस तरह से, आप इसे मिक्सर में भी डाल के पीस सकते हैं और घिसनी से भी घिस सकते हैं, तो मैं इसे घिसनी से ही घिस लेती हूँ। देखिए लिया है। अब सबसे पहले मैं पहला दूध बनाऊंगी ठंडियों से बचने के लिए। कड़ाके की ठंडी पड़ती है, जब पड़ने लगती है तो उससे बचने के लिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस चालू कर दिया है और टोप रख दिया है दूध बनने के लिए। दूध हमारा उबल आने वाला है, उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी। और 1 चम्मच में डालूंगी चीनी। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डालना तो दूध में उबाल आने लगे तब, नहीं तो दूध आपका फट जाएगा। दूध हमारा उबल रहा है, थोड़ा सा चला देती हूँ। 2 मिनट हमें कम से कम धीमी आंच पे, हमें 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है, फिर उसके बाद में इसे छान दूंगी। अब मैं बनाऊंगी दूसरे हल्दी वाले दूध की रेसिपी, तो चलिए मैं अपनी सामग्री बताती हूँ। मैंने वही हल्दी लिया है, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक, तुलसी का पत्ता, स्वाद अनुसार चीनी। गैस चालू कर दिया है, फिर से मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, जैसे पहले दूध में मैंने लिया था। तो मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी, मीडियम साइज का हमारा चम्मच है। वही 1 चम्मच अजवाइन, तुलसी का सारा पत्ता, अदरक भी मैंने घिस के डाल दिया। और उसी में अब मैं डालूंगी 1 चम्मच चीनी। इसमें भी मैंने जैसे बताया था, अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो गुड़ उबाल लाने के बाद डालिए या तो हनी डाल दीजिए। दूध हमारा उबल रहा है, फिर से मैं चम्मच से जरा चलाऊंगी और इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट इसे उबलने दूंगी। यह है 2 से 3 मिनट। अब मैं फिर से दूध गैस बंद करूंगी और दूध को ये दूसरे ग्लास में मैं पलट दूंगी। अब मैं बनाऊंगी तीसरा दूध, बच्चों के लिए हेल्दी दूध, जो हम बाजार से हेल्दी पाउडर लाते हैं बनाते हैं, उससे अच्छा हम घर पे हेल्दी पाउडर बनाएंगे और बच्चों को सुबह सुबह पिलाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए मैं इसकी सामग्री बताती हूँ आपको। मैंने लिया है 8 से 10 काजू, वही बादाम, उतना ही पिस्ता, 2 अखरोट का टुकड़ा, 5 से 6 इलायची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और जरूरत के हिसाब से शक्कर। दूध मैंने फिर से गैस पे चढ़ा दिया है, गैस हमारा चालू है और जब तक हमारा दूध उबल रहा है, हल्दी इसमें 1 चम्मच डाल दूंगी और गैस को मीडियम रखूंगी। जब तक हमारा दूध उबलेगा तब तक मैं दूध का मसाला तैयार कर। मैं लूंगी 1 मिक्सर का जार, उसमें सब काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इलायची और वही जितना मेरा चीनी है सब मैं चीनी को डाल दूंगी। इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी होगा, इसे मैं मिक्सर में पीसूंगी। पीस लिया है काजू बादाम जो मैंने ड्राई फ्रूट पीसा था, बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी तो बच्चों के लिए होता ही है।
इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। लिया है मैंने, बहुत ही टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे आप फ्रिज में डब्बे में करके रख देंगे तो आप महीनों तक बच्चे के दूध में हल्दी डाल के उबालिए और पूरी ठंडी हेल्दी दूध पिलाइए। ये भी दूध हमारा उबल गया है, गैस को बंद करूंगे। दूध मैंने उबाल लिया है, सिर्फ इसमें मैंने हल्दी डाला है। हल्दी डाल के उबाल लीजिए, फिर उसके बाद छान के फिर ये पाउडर में एक चम्मच एक ग्लास दूध में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और बच्चे को पिलाइए। बच्चों के लिए मसाले वाला हेल्दी दूध मैंने बना लिया है। इसमें और एक चीज मैं बताऊंगी, जो प्रेगनेंसी के बाद और बड़ी औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी ये दूध बहुत ही हेल्दी है। पूरी ठंडी अगर ये दूध पियेंगे तो उन्हें उनका बच्चा और वो दोनों ही स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। तो बच्चों को तो बड़े पिलाइए ही। बना लिया है मैंने हल्दी वाला दूध। पहला दूध मैंने बनाया है ठंडियों से बचने के लिए, हेल्दी और टेस्टी। दूसरा दूध मैंने बनाया है सर्दी जुकाम होने पे कैसे दूर करें सर्दियों को घरेलू नुस्खे से, तो दूसरा दूध बनाया है। तीसरा दूध मैंने हल्दी वाला बनाया है बच्चों के लिए, हल्दी हेल्दी दूध ड्राई फ्रूट वाला। रानी कुमार जी ने ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मैंने ये हल्दी वाला दूध बनाया और बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी बना के दिखाने का। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।